असलामुअलैकुम नाज़रीन, आज तुहानू असीं उस खेत च लै के आए हैं जिथे 45 दिनों के मैटरी 330 ग्राम गलती नाल स्प्रे हो गया सी। अज तकरीबन 75 डेज यानी 75 के दिन से फसल आ गई है। 45 यानी कि कोई महीना हो गया है कि ये मैटरी का स्प्रे होया सी। तो कच्ची पटाई का जेन बनिया सीगा कि असी इस हुण कच्ची पटाई कर दईए। तो अज असी एक दी तुहानू दिखाने हैं वल, माशाल्लाह यह है इहदी बेल। आ देखो जिदे ते मैटरी का स्ट्रैस आया सी, ये बेल है। ते आ असी आलू ये नीचों जिहड़े असी देखे ने वो तुहानू दिखाने जी। ये माशाल्लाह इहदा साइज है जी, राशन है ए चीज, इस टाइम साइज है। एक चीज जिहड़ी तुहाडे नाल डिस्कस करनी है वो है वा कि उत्थे साढ़े पटाई लगी, वह माशाल्लाह उत्थे मैटरी का स्प्रे नहीं होया। 68 बैग 68, 69, 70 तक 122 किलो की परती 120 किलो की परती नाल आ रही है जी। लेकिन उस हिसाब नाल इत्थे साइज़ थोड़ा जिहा कम है क्योंकि 15 दिन मैटरी का जिहड़ा स्ट्रैस है उहदी वजह तो। लेकिन यह कि असी इहनूं 10 क दिन का डिले दे के हुण इंशाल्लाह पटाई करावांगे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੌਦਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਰਹੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਨਾ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਔਸਤ ਆਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।